हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों, फोटोशॉप का सेटिंग का जो पार्ट वन था उसमें कुछ दो तीन ऑप्शन में मुझसे रह गए थे, तो आज ये दूसरे पार्ट में हम वो क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा फोटोशॉप यहाँ पे ओपन है, तो हम यहाँ पे एक इमेज ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन कर ली है। यहाँ पे मैं एक ब्रश लूँगा और यहाँ से मैं कुछ ड्राइंग करता हूँ। ये ड्राइंग भी हो सकती है या फिर कोई काम भी हो सकता है मेरा। अभी समझो मुझे इसको एक स्टेप पीछे जाना है। तो नए फोटोशॉप में क्या हुआ है कि खाली आपको कंट्रोल झेड करना है। जितनी बार आप कंट्रोल झेड करेंगे, मतलब एक आंडू जितनी बार आप कंट्रोल झेड करेंगे, उतना स्टेप्स ये नया फोटोशॉप आपको एक एक स्टेप पीछे लेके जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने खाली कंट्रोल झेड किया, एक स्टेप पीछे आया, और एक बार मैंने कंट्रोल झेड किया और एक स्टेप पीछे आया। आप जितने बार भी कंट्रोल झेड करेंगे, उतने स्टेप्स आप आगे पीछे जाएंगे। और हमारे पुराने फोटोशॉप में क्या होता था कि कंट्रोल अल्ट और झेड, कंट्रोल अल्ट और झेड अगर हम दबाएंगे तो हम पीछे जाते थे एक एक स्टेप। तो इस फोटोशॉप में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है, अंडू करना है, तो आपको खाली कंट्रोल झेड ही करना है। अगर आप पुराने फोटोशॉप जैसे काम करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट है और यहाँ से इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है, यूज़ लीगेसी अंडू शॉर्टकट। और यहाँ पर बता रहा है कि आपको फोटोशॉप रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम फोटोशॉप को रिस्टार्ट करते हैं। हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सेम वही इमेज लेंगे और कुछ ड्रॉ करेंगे। अभी हम खाली कंट्रोल झेड क्लिक करेंगे तो एक ही स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे हो रहा है। लेकिन अभी हमने फोटोशॉप रिस्टार्ट करने से पहले पुरानी वाली सेटिंग हमने की थी, तो यहाँ पे हम कंट्रोल अल्ट झेड दबाएंगे तो हम एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। और रिडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट झेड, आप यहाँ पे शॉर्टकट देख सकते हैं, स्टेप फॉरवर्ड शिफ्ट कंट्रोल झेड और स्टेप बैकवर्ड अल्ट कंट्रोल झेड। तो अगर आपको ये आसानी लग रही है तो आप उस कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके यूज़ लीगेसी का जो शॉर्टकट है वो आप इसको ऑन कर दिए। तो अगर आपको ये पुराना वाला शॉर्टकट अच्छा लग रहा है तो फिर यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट में जाओ और यूज़ लीगेसी अंडू शॉर्टकट को आप क्लिक कर दो, तो आपको पुराने फोटोशॉप जैसी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको नए कंट्रोल झेड अगर आपको एकदम यूज़र फ्रेंडली लगता है तो आप इस इमेज इस चेक मार्क को हटा दो और वापस से फोटोशॉप को रिस्टार्ट कर दो। तो अभी हम दूसरे सेटिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि अभी आप समझो यहाँ पे मुझे एक नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोलियन करूँगा। यहाँ पर मैंने कंट्रोलियन किया तो इस तरह का एक विंडोज़ आपके सामने आ गया है। तो इसको आप यहाँ से फाइल में जाके कंट्रोल एन भी दबाएंगे या फिर यहाँ पे शॉर्टकट दिया है इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने फोटोशॉप यूज़र है तो उनको ये शायद तरीका अच्छा नहीं लगेगा, कहाँ पे साइज़ लेना है, कहाँ पे पिक्सल सेट करना है, ये बाकी के सेटिंग क्या है, ये कुछ नए टैब आ गए हैं तो उसमें शायद उनको परेशानी होती रहेगी। तो इसके लिए भी एक तरीका है, इसको भी आप पुराने जैसे फोटोशॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको इसको क्लोज़ करना है और यहाँ पे एडिट में जाके प्रेफरेंसेस और यहाँ पे जनरल में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल में यूज़ लीगेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ये जो बॉक्स है ये अभी अनचेक है। अगर आप इसको चेक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और वापस से जाके फाइल में न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, तो देखो ये पुराने फोटोशॉप जैसा
इंटरफेस आपको आ गया, तो आप यहाँ से फाइल का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो भी आप काम करना चाहते हैं फोटोशॉप में, लैंडस्केप 4:6, 6x4, 7x10x8, तो इस तरह से आप अलग अलग या फिर आप मैन्युअली यहाँ पे संख्या डाल के आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हैं। तो और यहाँ से आप अभी हम ओके करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है ये तरीका, तो इस तरीके से आप फोटोशॉप को यूज़ कर लो, नहीं तो फिर वापस से प्रेफरेंसेस में जाके इस ऑप्शन को हटा दो। आपको नया तरीका अच्छा लगता है तो उसे यूज़ करो। तो दोस्तों ये था सेटिंग का वीडियो, सेकंड पार्ट। अगर आपको और भी कुछ सेटिंग के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उसमें उसके लिए वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए माय फोटोग्राफी चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम लाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।